ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस के जो मेन कैटेगरीज है वो चार है. कौन से? हमने जो कॉमनली समझा कि दो ग्रुप जो समझे, नाउन एक्शन और एक्शन, को हमारी समझ के लिए, ताकि ग्रामर हमको इजी हो जाए. लेकिन ग्रामर के हिसाब से चार कैटेगरीज है सेंटेंसेस की. सेंटेंसेस चाहे एक्शन में हो चाहे नॉन एक्शन में हो, उन चार कैटेगरीज में सेंटेंसेस फिट हो जाता है. फर्स्ट है अफर्मेटिव. फर्स्ट क्या है? अफर्मेटिव. सेकेंड नेगेटिव. थर्ड इंट्रोगेटिव. ठीक है. फोर्थ एक्सक्लेमेटरी. फोर्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी. ये चार सेंटेंस है. अफर्मेटिव, जब कोई सेंटेंस हम हाँ में बोल दिए, मैं परवीन हूँ, मैं खुशी हूँ, ये टेबल है, ये चेयर है, ये क्लासरूम है, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है. नेगेटिव क्या है? मैं खुशी नहीं हूँ, मैं परवीन नहीं हूँ, मैं इरफान सर हूँ, मैं राज नहीं हूँ, ये टेबल है, ये चेयर नहीं है, ये फ्रेम नहीं है, ये क्या है? बोर्ड है. आप समझ में आपको? तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. तीसरी जो कौन सी क्वेश्चन है? इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, सवाल करना. जैसे सवाल आप क्या करोगे? अब दो सवाल, अब दो टाइप के सवाल आप करते हो, दो टाइप के सवाल आप करते हो. ठीक है. फर्स्ट सवाल आप क्या करोगे? खुशी इधर देखो. फर्स्ट सवाल आप क्या करोगे? दो टाइप के सवाल आते हैं आपके. दो वेज में आप सवाल करोगे, दो फॉर्म में आप सवाल करोगे. देखो गौर से देखो. दो समय सवाल क्या करोगे? एक सवाल में आपको कर रहा हूं क्या ये टेबल है, क्या सवाल कर रहा हूं क्या ये टेबल है, क्या ये पेन है, कैसा सवाल है मेरा? खुद बता रहा हूं कि ये पेन है, लेकिन कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं. थोड़ा आइडिया है कि ये पेन ही है, थोड़ा आइडिया है कि ये टेबल ही है, लेकिन इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे. कैसे कंफर्म कर रहे? आपको पूछ के कंफर्म करें, क्या ये पेन है? आपका अच्छा था, आपका नॉलेज भी टेस्ट कर रहे. तो आप क्या बोल रहे हो? हाँ ये पेन है. ये आपको इस तरह से टेस्ट किया जा रहा है. क्या ये पेंसिल है? आप बोलते नहीं ये पेंसिल नहीं है, जो निगेटिव है. और आप बोलते हो ये पेंसिल नहीं है, ये पेन है. ये अफर्मेटिव में आ गया. लेकिन क्वेश्चन कैसा था? क्या ये पेंसिल है? तो क्या ये पेंसिल है, मतलब उस चीज को भी बता गया, उस चीज को सामने रखा गया और उस पर क्वेश्चन किया गया. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं या तो वर्ब क्वेश्चन बोलेंगे या हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बोलेंगे. क्वेश्चन टू कंफर्म. नॉर्मली इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? क्वेश्चन टू कंफर्म. किसी चीज को कंफर्म करने के लिए जब क्वेश्चन किया जाता है वो क्वेश्चन अलग होता है. और कुछ क्वेश्चन है ब्लैंक, ब्लैंक क्वेश्चन किए जाते हैं. मतलब हम ब्लैंक है, हम खाली, हमको कुछ भी पता नहीं. अगर मेरे हाथ में चीज है भी है तो ये क्या है, मुझको कुछ भी पता नहीं है, मैं कोई चीज इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, तो कैसे क्वेश्चन करूंगा आपको? आपको पूछना है कि ये पेन है, ये पेंसिल है, क्या है ये? लेकिन मेरे को पता ही नहीं, पेन भी नहीं पता, पेंसिल भी नहीं पता, तो मैं सिंपल एक क्वेश्चन करूंगा, ये क्या है, ये क्या है, क्या क्वेश्चन किया मैंने, ये क्या है. जैसे मुझको पता नहीं, सामने बैठे हुए स्टूडेंट में ये परवीन है करके, तो मैं क्वेश्चन करूंगा ये कौन है, पता नहीं कौन है, लेकिन मुझको थोड़ी आइडिया है कि ये परवीन ही है, तो शायद मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा, क्या यही परवीन है, क्या यही परवीन है, या क्या यही खुशी है. लेकिन अगर बिल्कुल आइडिया नहीं दो ये कौन है, समझ में? तो दो क्वेश्चन है, ये कौन है, क्या ये परवीन है. तो क्वेश्चन करने का आइडिया समझ में? देखो जब क्या पे जो है ना, क्या पहली प्लेस पे आ रहा है. जब आप क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं तो क्या कौन सी प्लेस पे आ रहा है? फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है. लेकिन अगर कंफर्म नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली पूछ रहे हैं, तो क्या सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस पे चला जा रहा है? कैसे सेकंड पे? ये क्या है,
सेकंड प्लेस पे। तो सिंपल आपको आइडिया रखने के लिए समझना चाहिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए किया जा रहा है या क्वेश्चन में मालूमात दी जा रही है। उसमें भी मालूमात है विद कंफर्मेशन, उसको मालूमात पहले से मौजूद है लेकिन फिर भी कंफर्म करके उसको पक्का किया जा रहा है। करेक्ट, समझ में आपको। दूसरी चीज, अगर कुछ नहीं आइडिया है तो ब्लैंक क्वेश्चन कर लो कि ये कौन है, ये क्या है ना? अभी मैं अगर बोलूं क्या खुशी कमरे में है, क्या खुशी क्लासरूम में है, इस खुशी इन द क्लासरूम, इस खुशी इन द क्लासरूम, तो इस देखो पहले यूज हुआ है इस खुशी इन द क्लासरूम, या क्या खुशी क्लासरूम में है, तो मैं खुद कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त खुशी किधर है, क्लासरूम में है क्या। मतलब मेरे दो तरीके, या तो कंफर्म कर रहा हूँ या मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि खुशी कहाँ होनी चाहिए, क्लासरूम में होनी चाहिए। करेक्ट है, या फिर अगर मैं पूछूंगा खुशी, नहीं तो फिर कैसे पूछेंगे खुशी कहाँ है, खुशी इस वक्त कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन होगा। समझे, तो दो क्वेश्चन समझ में आए, दोनों क्वेश्चन किस में आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। ग्रामर के हिसाब से इंट्रोगेटिव के दो टाइप है, क्वेश्चन टू कंफर्म और क्वेश्चन ब्लैंकली आस्क क्वेश्चन। समझे, क्वेश्चन विदाउट एनी नॉलेज क्वेश्चन किए जाए, विदाउट प्रायर नॉलेज अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, व्हाट विल बी से, क्या बोलेंगे, ब्लैंक क्वेश्चन। समझे, आगे जाके उसके नाइन वर्ड्स है, नाइन क्वेश्चन वर्ड्स है जो ब्लैंक क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब किसी को ताज्जुब के साथ सरप्राइजिंगली बोला जाता है, हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसे हो गया। तो जो ब्लैंकली क्वेश्चंस किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब ताज्जुब सरप्राइज क्वेश्चन किए जाते हैं, आंसर सारी क्वेश्चन है सरप्राइज नहीं बोला जाता है कोई सेंटेंस को जिसमें थोड़ा सरप्राइज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये चार पार्ट आपको समझ में आए, अब चाहे नॉन एक्शन सेंटेंस हो चाहे एक्शन सेंटेंस हो किसी ना किसी एक टाइप में वो जरूर होगा, है ना। अब जैसे एक बी वर्ब का हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं नेम का, अब हम लोग एग्जांपल लिखते हैं आई एम से, आई एम इरफान से, आई एम इरफान से, ये तीन को हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसको लास्ट में रखेंगे। लेकिन अब तीन सेंटेंस को हम लोग कोशिश कर लेते हैं समझने की। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने बी वर्ब का एक सेंटेंसेस देखे, आई एम इरफान से। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे देखेंगे, आई एम नॉट इरफान सर, आई एम नॉट इरफान सर। तो बेटर है मैं इसमें यहां पे बोलूंगा इस सेंटेंस को इरफान बोलने के बजाय, आपको और क्लियर समझने के लिए हम लोग देखेंगे आई एम नॉट इमरान सर। करेक्ट, आई एम नॉट इमरान सर, आई एम इरफान सर। नाउ इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन करना है कि आप अगर मेरे को पूछ रहे हो क्या आप इरफान सर हो, ये इंट्रोगेटिव है। और क्या कर रहे हैं आप, कंफर्म कर रहे, क्या कर रहे हैं आप, कंफर्म कर। तो आगे जब हम लोग बी वर्ब देखेंगे तो क्या होगा, आर यू, आर यू इरफान सर, आर यू इरफान सर। करेक्ट, आर यू इरफान सर। या फिर अगर हम कंफर्म नहीं कर रहे सीधे सीधे पूछ रहे आप कौन हो, अभी आर यू इरफान सर से सामने वाले को रिस्पेक्ट भी आ रहा है, आप सामने वाले को ये बता रहे आपको पता है, फिर भी आप रिस्पेक्ट देके बात करके आप इरफान सर हो। लेकिन अगर आप ऐसे पूछो डायरेक्ट, सर आप कौन हो, सर आप, ये भी रिस्पेक्ट, लेकिन कैसे पूछ रहे सर, आप पूछ रहे हो सर हु आर यू, सर हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये दो ग्रुप जो है आपके, देखो आर यू यहां पे कहीं पे भी डब्ल्यू एच वाला वर्ड नहीं है ऊपर, इतना ध्यान में रखो, कहीं पे भी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है। हम लोग आगे जाके देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड कौन से हैं।
और किस तरह उसका यूज, सिर्फ इतना ध्यान में रखो जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं हु है ना, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हूज, हूम, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन से, हु, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हेन, हूज, हूम, समझ में आया, एंड हाउ, ऐसे कौन से वर्ड्स है, डब्ल्यू। जब इन वर्ड से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन किसमें आता है, ब्लैंक क्वेश्चन में आता है, जिसमें हमारे पास प्रायर नॉलेज नहीं है, लेकिन हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे तो शायद जैसे एक्शन होगा तो उसको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बोला जाता है, अगर नॉन एक्शन सेंटेंसेस है तो उसको कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, बी वर्ब। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, अगर सेंटेंसेस या सेंटेंस नॉन एक्शन है और कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है तो कौन सा उसको उस क्वेश्चन सेंटेंस को बी वर्ब क्वेश्चन बोलेंगे, कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, बी वर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस एक्शन में है, अगर सेंटेंस एक्शन में है तो वो सेंटेंस को बी वर्ब नहीं बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे। इसलिए आपको समझ में आया अभी इधर परवीन, आपको ये समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब, मतलब जब क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए की जाए और सेंटेंस एक्शन में हो और कंफर्म करने के लिए किया जाए, जैसे मैं आपको बोलूं कि समझो आप मार्केट जाते हो, ये एक्शन हो गया, यू गो टू मार्केट, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए बोल रहा हूं मैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हो, तो यहाँ पे डू को मैंने यूज किया, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, लेकिन सेंटेंस जाते हो मार्केट जाते हो एक्शन में है, इसलिए इस सेंटेंस को बी वर्ब की जगह हेल्पिंग ऑफ सेंटेंसेस बोलेंगे, हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस बोला गया। और आगे चलते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कौन सी, कि अगर ये सेंटेंस बी वर्ब में तो क्या ऐसा नहीं बोलेंगे कि डू यू परवीन, डू यू परवीन नहीं बोलेंगे, बी वर्ब अलग है, क्या बोलेंगे हम लोग, आर यू परवीन, आर यू परवीन। तो ये समझ में आओगे आपको, ये चार चीजें आपकी समझ में आए, तो ये मेन कैटेगरीज ऑफ सेंटेंस है, चाहे सेंटेंस एक्शन में हो चाहे नॉन एक्शन में हो, हो सकता है किसी ना किसी एक जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम क्वेश्चन कर रहे हैं, या हम आंसर कर रहे हैं, हम आंसर नेगेटिव में कर रहे हैं, या हम आंसर पॉजिटिव में कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आपको।